आरजेडी को चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। दलित नेता श्याम रजक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके पीछे लालू यादव कारण बताई जा रही है। साथ ही साथ यहां पर इशारों ही इशारों में श्याम रजक ने बड़ा बयान भी दे दिया है अपने इस्तीफे को देकर, और ये कहा है कि मेरे साथ तो खेल खेला गया, मैं तो हमेशा से मोहरा था, मैंने रिश्ते निभाए और मुझे मोहरा बनाया गया। क्या कुछ है पूरा माजरा विस्तार से जान लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के बड़े नेता श्याम रजक ने अपने इस्तीफे में व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि वो राजद की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं। श्याम रजक ने अपने इस्तीफे में पार्टी छोड़ने के अपने कारणों के बारे में विस्तार से बताया। हालांकि उन्होंने अपने आगे के कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो जल जदयू के साथ नजर आएंगे। राजद में राष्ट्रीय महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके श्याम रजक का जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उनके इस फैसले से हैरान हैं। देखना होगा कि श्याम रजक के जाने के बाद राजद का क्या हाल होता है। वही राजद की प्राथमिक सदस्यता से भी जो है उन्होंने सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने इस्तीफे में अपनी भावनाओं को शायराना अंदाज में व्यक्त किया। श्याम रजक ने लिखा कि मैं शतरंज का खिलाड़ी नहीं था, इसीलिए धोखा खा गया, आप मोहरे चलते रहे, मैं रिश्तेदारी निभाता रहा। वही श्याम रजक की शायरी ने राजनीतिक सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब बताते चलते हैं कि श्याम रजक के साथ जो है बने हुए काफी लंबा समय जो है उन्हें हो गया था राजद में, लेकिन पार्टी के भीतर एक गुमनाम नेता की तरह वो रह रहे थे। पिछड़े और वंचित समाज की राजनीति करने वाले नेता श्याम रजक ने राजद के भीतर चलने वाली राजनीति की तरफ भी इशारा किया है, और उन्होंने शायराना अंदाज में ये बात जो है जता दी है कि वह लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक फैसले की वजह से अलग हो रहे हैं। इस मामले को लेकर खुद अपने रेजिग्नेशन को लेकर उन्होंने खुद जो है मीडिया के सामने ये बात रखी है, और इसे लेकर अगर आप कहेंगे तो इस मामले को लेकर जो है प्रतिक्रिया उन्होंने दी है अपने रेजिग्नेशन पर, क्या कहा है श्याम रजक ने जरा खुद सुनिए। अरे अब खिलाफ था कि पक्ष था ये तो वो जाने, राष्ट्रीय जनता दल में मैं था तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही तो मोहरा खेल रहे थे, इसीलिए मैंने लिखा है कि वो मोहरा खेल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था, मैं मोहरा को रिश्ता समझ रहा था, वो मोहरा को मोहरा समझ रहे थे। अब ये तो उनसे पूछिएगा। मैं आंदोलन जेपी से शुरू किया और राजनीति चंद्रशेखर जी से शुरू किया, इसलिए स्वाभिमान और सम्मान और विजन, काम का विजन के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब ये तो वो जाने, आप लोग ज्यादा पत्रकार हैं, आप लोग ज्यादा आकलन करते हैं, आप आकलन कीजिए कि मैं हाशिए पर था कि मैं मुखधारा में था। मैं तो निर्माण करता रहा हूँ, लेकिन जिन मूल्यों को लेकर करके हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किया था वो मूल्य में कहीं न कहीं हरास हुआ है। मैं अभी तक विचार नहीं किया हूँ, और मैं राजनीतिक मान्यता के साथ राजनीति करता हूँ। मैं जिस दल में रहता हूँ उस दल के साथ ईमानदारी से निभाता हूँ। दल से जब मैं इस्तीफा दे दिया, अब मेरे सामने दरवाजा खुले हुए हैं, अब सबसे बात हो सकती है। मेरे सामने दो ही विकल्प है, या तो संन्यास ले लूँ, या जो हमारा अधूरा काम है फुलवारी के जनता का ऋण जो है उसका चुकता करूं, और जो दलितों की लड़ाई में शुरू से लड़ता रहा हूं, नौजवानों की लड़ाई लड़ता रहा हूं, उस दलितों के जो हाशिए पर हैं उसकी लड़ाई लड़ कर करके उसको हम कुछ अगर आंसू के दो आंसू भी हम अगर पोंछ पाए तो मैं समझूं कि मेरा जीवन सिद्ध हुआ। अभी तक किसी ने बात नहीं, अब बात क्यों करेंगे। मैंने उनसे रिश्ता तोड़ा है, क्यों? मेरा आज का फैसला है, मेरा फैसला आज है, आज का है। मैं इधर बहुत परेशान भी रहा, मेरी पत्नी का किडनी खराब है और मैं डायलिसिस में परेशान रहता हूँ, उसका मेरे साथ भी फेशियल अटैक हुआ, उसमें भी परेशान रहा, लेकिन इस सब के बावजूद मैं दल के लिए ईमानदारी से खटता रहा, करता रहा, अलग कि जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाता था। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात जो है रखी है। उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर मोहरे का जिक्र किया, कहा कि मैं शतरंज का एक्सपर्ट खिलाड़ी नहीं था, इसी वजह से जो है मैं धोखा खा गया हूँ। उन्होंने ये भी जो है अपने पोस्ट में तो कई सारी चीज़ें लिखी, लेकिन जैसा कि आपने सुना कि वो कह भी रही हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं रिश्तेदारी निभा रहा था, मैं वो दाव पेच वो पैतरे मैं समझ ही नहीं पाया। उन्होंने कहा कि फुलवारी शरीफ में भी जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ,
इससे भी काफी ज्यादा जो है उन्हें दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से राजनीति करता हूं, मैं कल तक आरजेडी का सदस्य था तो दूसरी पार्टी के बारे में विचार करना भी मेरे लिए पाप था। आज मैंने इस्तीफा दिया, मेरे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, मैं अपने विजन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए किस दल के साथ काम करूंगा इस पर विचार करूंगा। उन्होंने भी कहा कि मैं इसके लिए एक सप्ताह का समय लूंगा, इस बारे में विचार विमर्श करूंगा। फुलवारी शरीफ के जो है विकास के लिए कौन सा दल ज्यादा कारीगर जो है साबित होगा। श्याम रजक ने कहा कि अगर इसका फैसला नहीं हो पाया तो वो राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। यानी उन्होंने कहा है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं अगर होते हैं तो वो फिर वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एक्टिवली वो इस राजनीति में करें ऐसी पार्टी के साथ जिसके साथ वो विकास कर सके, नहीं तो फिर जो है संन्यास ले ले। और जब विकास की बात आती है तो अगर आप देखेंगे बीजेपी एनडीए इसका जिक्र किया जाता है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि नीतीश की पार्टी की तरफ ये रुख कर सकते हैं। श्याम रजक का कहना है कि वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी में रिश्तेदारी जो है निभा रहे थे और इसी ये बात साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं श्याम रजक को कुछ उम्मीदें थी लालू प्रसाद यादव से, उनकी पार्टी से, जिन उम्मीदों पर पार्टी और उनके जो लोग हैं वो खड़े नहीं उतर पाए हैं। और यही कारण है कि श्याम रजक को काफ़ी ज़्यादा दुख, काफ़ी परेशानी जो है हुई है इस मामले को लेकर। रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो चीजें वो कर सकते थे, जो दायित्व वो निभा सकते थे, जो मौका उन्हें मिल सकता था वो उन्हें नहीं मिल पाया है। और इसी वजह से शायराना अंदाज में वो लिख रहे हैं कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया, आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। और बाकायदा इन्होंने जो है ये सारी चीज जो लाइन है शायरी की इन्होंने अपने त्यागपत्र में जो है लिखा हुआ है, इन्होंने श्याम रजक ने लिख कर जो है इस्तीफा अपनी पार्टी से दिया है। कहा जा रहा है कि नीतीश की पार्टी में जाने का भी अवसर उन्हें मिल सकता है और ये वक्त जो है जल्द आएगा जब श्याम रजक का कहीं ना कहीं उस पार्टी में देखने के लिए मिलेंगे। चुनाव आने वाला है, देखता है कहीं जाना है नीचे हम लोग काम किए हुए, वो जेडीयू कहाँ कर रहे हैं, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसा कि आपने अब कहा कि बड़े दलित नेता के तौर पर उन्हें माना जाता है और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी में उन्हें एक अहम पद से भी नवाजा गया था, एक अहम पद पर भी वो विराजमान थे। लेकिन जिस तरीके से टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ, जिस तरीके से श्याम रजक ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया, पार्टी छोड़ दिया है, इसके बाद कहा जा रहा है कि ये रजत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से अगर रजत के कई सारे जो है रजत के लोग जो है पार्टी के कार्यकर्ता है वो ऑलरेडी नीतीश पार्टी में जा चुके हैं, जो बचे कुछ लोग हैं, जो बचे कुछ ऐसे बड़े चेहरे थे जो गुमनाम जिंदगी कहीं ना कहीं इस पार्टी के अंदर जी रहे थे, जिसमें से श्याम रजक का नाम भी सामने आता है। और ऐसे में दलित के तरफ से जो एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है, एक चेहरा दलितों के बीच में जो है काफी फेमस रहा है, और ऐसे में श्याम रजक जैसे नेता अगर चुनाव से ठीक पहले नीतीश की पार्टी में जाते हैं तो होने वाले चुनाव में नीतीश की पार्टी को इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा और लालू प्रसाद के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आरजेडी के एक जो है कद्दावर नेता है और दलितों में काफी आप कह सकते हैं बड़े दलित नेता है श्याम रजक, उन्होंने जो है आरजेडी छोड़ दिया है, यानी लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ दिया है और कहा जा रहा है कि जल्द नीतीश की पार्टी में वो नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।